माँ मंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज के अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ मंगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों द्वारा नवग्रह पंचोपचार, षोडशोपचार, गौरी गणेश, कुंभ पूजन, माँ मंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान बाबा खन्ना से विधिवत पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियाँ डलवाई। वहीं इस यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए अच्छा बोलना भी जरूरी है। संसार में सारा खेल बोलने का ही है। उन्होंने कहा कि आज परिवारों में बड़ों का सम्मान नहीं और छोटों को प्रेम नहीं। कारण ये है कि हम अपनी वाणी को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस अवसर पर नवजीत भारद्वाज ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व धार्मिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इन चारों में से किसी एक पक्ष में भी यदि मनुष्य कमजोर होता है तो उसे पूर्णतः स्वस्थ नहीं माना जा सकता। व्यक्ति को हमेशा यह महसूस करना चाहिए कि मैं संसार का सबसे भाग्यशाली और सुखी व्यक्ति हूँ। यदि ये भाव सदैव हमारे मन में रहेंगे तो हम नकारात्मक विचारों से दूर हो सकेंगे, हमें किसी भी प्रकार का कोई अवसाद नहीं रहेगा। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, जोगिंदर सिंह, दिशांत शर्मा, बलजिंदर सिंह, मुनीश शर्मा, अभिलक्ष चुग, बाबा जोशी, पंकज मानव शर्मा, नवदीप, अजीत कुमार, संजीव सावरिया, जसप्रीत सिंह, अभिषेक भनोट, सुमित, राजेश महाजन, बाबा खन्ना, संजय, बाबा हलचल, विनोद खन्ना, अशोक शर्मा, कुमार गौरव, प्रिंस राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, इकबाल, प्रवीण सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी जी। आज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी च स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर दे विच अज जिहड़ा संपूर्ण फलदाई जिहड़ा सप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता, दिव्य हवन यज्ञ का वह आयोजन किया गया। अज सवेर तो ही श्रद्धालुओं के विच असीम महामाई के प्रति प्यार, निष्ठा और सेवा भाव जो अगे भी महामाई की कृपा के नाल सेवादारा नज़र आता, अज भी उस तरीके दे नाल ही सारे सेवादारा ने आके पहला महामाई की जिहड़ी छोटा स्वरूप है उन्हों पंचामृत दे नाल स्नान करवाया है, नाना प्रकार के व्यंजना के नाल भोग लगाए है, उस तो बाद चोला जड़ा के महामाई नू जिहड़ा सावन के झूले लगे है उहदे च विराजमान किया है माँ नू। और माँ अज जिहड़ा कि लगातार पिछले महीने सवा महीने तो यह जिहड़ा मल मास चल रहा सी, इस दे विच भी महामाई नू छप्पन भोग भी लगे है दरबार दे विच और महामाई नू झूले च विराजमान किया गया। और मैं सारे समूह संगत नू ए करवत प्रार्थना करनी चाहना कि माँ बगलामुखी धाम सनातन समाज की सेवा दे लई हर वीरवार नू निशुल्क हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर दे विच करदा है। कोई भी सेवादार माँ भगत मंदिर परिसर च आ के महामाई नू दे निमित्त जिहड़ा हवन यज्ञ है उस च शामिल हो सकदा। कोई हिडन चार्जिज नहीं है, कोई पैसे नहीं है। जे तुसी मुख्य यजमान बनना तो थोड़े जे समगरी जी महामाई के स्नान या कोई हवन यज्ञ जरूरत है वही चीज़ मंगवाई दी है, कोई
हिडन चार्जिज नहीं रखे थे कि इन्ने पैसे लगन गए इन्ने पैसे लगन गए। तुसी महामाई के दरबार से आओ और आके हवन यज्ञ आहुतियां पाओ। मैं ये भी दसना चाहना कि नाना प्रकार के जिहड़ियां बीमारियां कष्ट है रोग दोष है वह महामाई के दर्शन के नाल ही समाप्त हो जाते हैं। और हवन यज्ञ के विच कोर्ट कचहरी कोई न्यायालयिक मामला होवे कोई पुलिस का मामला होवे कोई किसी तरह का भी महामाई की कृपा के नाल सब दूर होंगे है। और हवन यज्ञ शामिल होने के नाल कई तरह के कष्ट और कई तरह विघन बाधावान समाप्त होंदिया। इसलिए मैं अपने समूह सेवादारा वालों माँ बगलामुखी धाम ट्रस्ट वालों ये करवद प्रार्थना करदा कि माँ बगलामुखी धाम आओ और हवन यज्ञ आ के शामिल होवो और अपना जीवन सफल करो। जकारा बगलामुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय। माता जी बगलामुखी माता जी का आज माँ बगलामुखी धाम जो कि लम्मा पिंड चौंक गुलमोहर सिटी में स्थित है उत्थे महामारी का वीरवार का जो लगातार हवन यज्ञ होते हैं अज उस घड़ी के हवन यज्ञ किया गया और श्रद्धालु जोड़े है सवेर तो लगातार जोड़े आ रहे थे और श्रद्धालुओं को आके महामाई ने अरदासा बेनतियां की है और महामाई ने उन्होंने पूरी कृपा की है। सारे भक्तों महामाई इदा ही कृपा करते रहे और उन्होंने अपना आशीर्वाद बनाए रखा।